वंदे मातरम प्यारे देशभक्तों, जय गो माता की। आज मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर कि भारत में गो हत्या क्यों हो रही है। आज 2023 हो गया, आजादी को 76 साल हो गए, फिर भी गो तस्कर भारत में गौएं ले जाते हैं व कसाई खानों में भेजते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे हमें हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। क्या है इसकी हिस्ट्री? देखिए, हमारा भारत देश, अखंड भारत देश 200 साल तो मुगलों का गुलाम रहा है, वह उसके बाद 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा है। चाहे अंग्रेज 1947 में भारत से चले गए, फिर भी इनडायरेक्ट रूप से हम आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। तो इनकी हिस्ट्री को और डीपली जाते हैं, बात करते हैं जब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, अखंड भारत के हम स्वामी थे। उस समय जितनी भारत की पॉपुलेशन थी उसकी दुगनी यहाँ गौ माता थी। तो गौ हत्या तो भूल के भी नहीं होती थी, उसका बहुत दंड था। अगर किसी राक्षस ने किसी गाय का वध कर दिया है तो ऐसे ऐसे हमारे वेदों में आज्ञा दी गई है कि उसको पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए, उस राक्षस को। तो जिससे हमारा पूरा भारत सोने की चिड़िया था, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गायें होती थी, दूध मक्खन दही होता था, गोबर होता था, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते थे, बिजली गैस सब कुछ होता था यहाँ। तो इसी लालच की वजह से मुगल इस भारत देश में आए। उन्होंने क्या किया कि चालाकी धोखेबाजी से उन्होंने इस भारत भूमि में एंटर किया। 1526 की जंग जो बाबर ने जीती थी उससे पहले भी आए। तो उसके बाद तो इनकी एक सीरीज लग गई जो बादशाह भारत में आए, और धीरे धीरे गाय की संख्या, उनकी जो भारत की पॉपुलेशन उसके आधी रह गई। देखिए, बाबर आया, उसका बेटा हुमायूं आया, उसके बाद अकबर आया, अकबर के बाद शाहजहां आया, उसके बाद औरंगजेब आया जो काफी कट्टर था, हिंदुओं के विरोधी था। तो इस तरह से 200 साल की गुलामी में गो वध होता रहा। तो बहुत सारे हमारी ही जबरदस्ती उनका धर्म भी चेंज किया गया। तो उसके बाद एक चालाक व्यक्ति और आ गया जिसको हम अंग्रेज कहते हैं। तो वो 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब जो भारत में आई थी, प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे उसने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और भारत में लार्ज स्केल पे गौ हत्या कराने के लिए बूचड़ खाने स्टार्ट कर दिए। ये अंग्रेजों के टाइम के थे, उससे पहले होती थी स्मॉल स्केल में, बट अब अंग्रेजों ने लार्ज स्केल पे कंपनी बेस पे इसको काटना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते थे अगर गायें भारत में नहीं रहेगी तो भारत का जो अर्थ का सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, उसकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो उससे लूटना आसान है, में देशभक्ति की भावना खत्म हो जाएगी, गाय ही नहीं रहेगी। तो इसी को देखते हुए 1857 की पहली क्रांति, जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस का वार था, वो गौ माता के लिए हुआ था। मंगल पांडे ने जो पिस्तौल उठाई थी, जो वध किया था, वो गाय माता के लिए था। उसके बाद 7,30,000 क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, वो गाय माता व भारत को गुलामी से बाहर निकालने के लिए था। उसके बाद देश आजाद हुआ। 200 साल की गुलामी के बाद 1947 में भारत आजाद हुआ। अब ये जो 400 साल की गुलामी थी, ये 400 साल की है,
इससे बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि साइकोलॉजिकली हम उस अंग्रेजों के, उस मुगल साम्राज्य के गुलाम हो चुके थे। अब जो नेता थे वो भी गुलाम थे, अब उनको हमें डेट रूप में स्लेव बनाने की जरूरत नहीं है। मकसद था गोहत्या करने का, वो तो पॉलिटिकल, करप्ट पॉलिटिकल के माध्यम से उन्होंने स्टार्ट किया। अभी आपको ये बताते हैं, ये 76 साल में आज तक गोहत्या क्यों हो रही है, उसके 5-6 रीजंस हैं जो मैंने आज फोकस किया है। पहला, के भारत से अमेरिका नंबर 1 पे एक्सपोर्ट होता है बीफ का। फूड इंडस्ट्री जितनी भी है, चाहे लीगल चाहे इलीगल, यहां से उसको काट के, यहां से मीट जो गऊ माता का है वो भेजा जाता है। ये पहला कारण है, रीजंस फर्स्ट है, इसलिए गोहत्या हो रही है। इसके अलावा चाइना है, इसके अलावा खुद भारत के 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे गोहत्या को टोटली बैन का कानून भी नहीं है। कितना दुर्भाग्य है, हमारे 7,30,000 क्रांतिकारियों ने शहादत दी, और ये जो अंग्रेज थे इन्होंने भी एक षड्यंत्र ये किया, डिवाइड एंड रूल, काटो और राज करो। तो इस वजह से भारत में कत्लेआम हुआ। उसके बाद बहुत सारे गोभक्तों ने, गोरक्षकों ने अपना बलिदान दिया। 1966 में इंदिरा गांधी ने गोलियां चलाई। तो यह करप्ट पॉलिटिकल है जो पैसे के लालच में गोहत्या करा रही थी और करा रही है। तो फूड इंडस्ट्री का टोटल है वो मीट खाते हैं, बीफ। तो अगर इस गोहत्या को बंद करना है तो पहला सिस्टम डिमांड लाइन खत्म कीजिए ना। हमें संकल्प लेना होगा कि अपने जीवन में हम कितने लोगों को शाकाहारी बना सकते हैं उसके स्वास्थ्य के लाभ बता के। अब दूसरा दूसरा मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री में चाहे चर्बी हो चाहे गौ माता का ब्लड हो, वो यूज होता है, और उसी से लाखों तरह की बीमारियां भी होती हैं, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो क्यों ना इस एलोपैथी मेडिसिन को बंद किया जाए, आयुर्वेद में आया जाए, पंचगव्य चिकित्सा को देश का आधार बनाया जाए, तभी गायें बचेगी, तभी गोहत्या बंद होगी। और तीसरा, जितनी भी टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां ये बोन इस्तेमाल करती हैं, जितनी भी शुगर बनाने वाली कंपनियां ये बोन इस्तेमाल करती हैं, और बहुत ही घातक केमिकल यूज करती हैं, तो इसके लिए गोहत्या होती है, इसके लिए लीगल या इलीगल तरीके से भारत में गोहत्या हो रही है। तो इसको बैन तभी हो सकता है जब आप टूथपेस्ट लेना बंद करोगे, जब आप मेडिसिन लेना बंद करोगे, जब आप संकल्प करोगे मैं अपने जीवन में कम से कम 10 लाख लोगों को शाकाहारी बनाऊंगा। और ये तीन कारण तो मैंने ये बताया, इसके अलावा जो फैशन इंडस्ट्री है, जो शूज बेल्ट वो लेदर्स की यूज होती है, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर। तो आप संकल्प कीजिए कि मैक्सिमम मैक्सिमम क्लोथ्स का हमें यूज करना चाहिए, 100% ही करना चाहिए। तो शूज क्लोथ्स के डाले जा सकते हैं, बेल्ट क्लोथ्स के डाले जा सकते हैं, क्लोथ्स शूज कपड़ों के डाले जा सकते हैं, तो यह जीव हत्या नहीं होगी, गौ माता का कत्ल नहीं होगा, इसकी वजह से हो रहा है। इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात है कि करप्ट जो पॉलिटिकल है उसको खत्म करना होगा। गौ भक्तों को पॉलिटिकल लाइन में एक संघर्ष करना होगा, तभी जीत प्राप्त होगी। ओके, तो यही मैंने 4 या 5 या 6 पॉइंट बताए हैं आपको। एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूं कि सबसे बड़ा जो कारण है 400 साल की गुलामी है, उससे बाहर आना पड़ेगा। उसके लिए भाषा, भूषा, ये सब स्वदेशी होनी चाहिए, तभी हम गौ हत्या को वास्तविक रूप में रोक सकते हैं। वो 400 साल की गुलामी जो अंग्रेज आज भी हमें गुलाम बना के रखा हुआ है, वो मैं एक बहुत टेक्निकल पॉइंट्स कहता हूं कि यह जो एक्सपोर्ट हम ऐसे नहीं कर देते, हमारी पिछली सरकारों ने पिछले 76 सालों से वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया है उसका 30 या 40% तो ब्याज हम भर रहे हैं। तो उसके बदले में ये
गेहूं वध होता है, बीफ का एक्सपोर्ट होता है, लेदर्स का एक्सपोर्ट होता है, क्यों ना हम इन चीजों का ही बहिष्कार करें, जिसके वजह से भारत लोन लेता है। आपको भी पता है पेट्रोल और डीजल, इनको बंद करके आप साइकिल पे आइए, ओके, और तभी हम गौ रक्षा कर सकते हैं। अभी जो टेक्निकल है उसको दबाया हुआ है, गौ माता के गोबर की गैस बन सकती है, उसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए, ओके। तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। अभी 5 पॉइंट्स मैं यहां बता रहा हूं। अपने जीवन काल में आपको जो लोन लेना है इसको बंद कीजिए, तभी वर्ल्ड बैंक का लोन भारत में बंद होगा। पेट्रोल और ऐसी चीजें, डीजल, इनका यूज कम से कम कीजिए, तभी हम ट्रैक्टर का यूज कम कीजिए, तभी हम गाय को बचा सकते हैं, ओके। नंबर 2, गौशालाओं को प्रोत्साहन दीजिए। नंबर तीन कि हमें एलोपैथी मेडिसिन को बंद करना होगा अपने जीवन काल में। 4th पॉइंट के लोगों को शाकाहार के लाभ के, उससे आयु लंबी होती है, आदमी स्वस्थ रहता है, शाकाहारी बनाना होगा, उनकी डिमांड लाइन काटनी होगी। अभी तक बहुत संघर्ष हुआ, बहुत गो भक्तों का कत्लेआम हो चुका है, उनकी सप्लाई लाइन को काटने के लिए अभी डिमांड लाइन को काटना है। और इसके अलावा जितने भी टूथपेस्ट है उसके जगह पे नीम का दातुन और गेहूं का गोबर का जो भस्म है वो लगानी है, तभी ये टूथपेस्ट बंद होंगे। इसके अलावा लेदर का यूज नहीं करना, क्लोथ्स का यूज करना है, और न्यूज मीडिया से अपने अपनी दूरी बना के रखनी है। और हर व्यक्ति को यह संकल्प करना चाहिए कि मैं अपने जीवन काल में किसी किसी गौशाला से कनेक्ट होऊंगा, उसके दूध की डिमांड करूंगा, उसके जो चीजें हैं बन सकती हैं उसको ज्यादा से अपने उपयोग में लाएंगे, गौ के गोबर, गौमूत्र, उससे हजारों तरह की बीमारियां ठीक होती हैं। पूरा विज्ञान है स्वस्थ का, उसका प्रचार करूंगा, तभी गोहत्या भारत से बंद हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लोगों को शेयर कीजिए कि भारत में क्यों गोहत्या हो रही है और कैसे उस गोहत्या को बंद किया जा सकता है। आज एक मिशन चल रहा है गौ माता भारत की राष्ट्र माता बनाने का। इसी 20 नवंबर 2023 को बहुत बड़ा संघर्ष होने वाला है, तो सभी गौ भक्तों, गौरक्षकों को अपील है कि हमें हर हालत में गौ माता को राष्ट्र माता 20 नवंबर गोपाष्टमी वाले दिन 2023 को बनाना ही है, तभी हम इसकी प्रतिष्ठा कर सकेंगे, क्योंकि गौ की प्रतिष्ठा सभी सुखों को देने वाली है। जो 76 साल में नहीं हुआ वो इस साल होना ही है। देश में गोहत्या बंद होनी चाहिए और सभी को मिलके इसके लिए संघर्ष करना है, क्योंकि बिना बलिदान के कोई भी सफलता नहीं मिलती। ओके, गौ माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय।